मरियम नवाज ने आजाद कश्मीर इलेक्शन की बेहतरीन कैंपेन की। नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। सरगोधा से लीगी एमएनए और चीफ कोऑर्डिनेटर कश्मीर इलेक्शन जुल्फिकार भट्टी की रोही से गुफ्तगू। बोले सरगोधा की कश्मीरी कम्युनिटी नून लीग की वोटर है। 25 जुलाई को शेर की फतह का दिन होगा। जनूबी पंजाब में कोरोना केसेस में कमी। 24 घंटों के दौरान सरगोधा में एक शख्स कोरोना से मुतासिर। बहावलपुर में 6 नए केसेस रिपोर्ट। लियाकतपुर चनीगोट चक्कर के करीब तेज रफ्तारी के बाद केमिकल से भरा टैंकर उलट गया। टैंकर उलटने से 60 टन के करीब केमिकल बह गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। मुतबादल रास्ते से ट्रैफिक रबा दबा। ऑयल टैंकर चिन्योट से कराची जा रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट चट्ठा असद चांडिया को सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी डीजी खान का एडिशनल चार्ज बन गया। नोटिफिकेशन जारी। इससे कबल सीईओ का एडिशनल चार्ज डिप्टी कमिश्नर को सौंपा गया था। एमडब्ल्यूएमसी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ईद के दूसरे रोज 5,328 टन अलाश तल। गुजशत 48 घंटों में 615 शिकायत मौसूल। 534 का फौरी अजाला। 81 शिकायत पर काम जारी। शहरियों ने कारकर्दगी को सराहा। मुल्तान में पीपल्स पार्टी शोबा खातीन विंग की साबका सिटी सदर बेगम बी ए जिगर इंतकाल कर गई। मरहूमा पीपल्स पार्टी की बानी रुकन और शहीद जुल्फिकार भुट्टो की साथी थी। नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे जनाजगा पीर उमर शाह खुरम रोड पर अदा की जाएगी। और ईद का तीसरा रोज कोटद्दू के शहरियों ने दरिया सिंध का रुख कर लिया। तुमसा बराज पर शहरियों की मौज मस्तियां। दोस्तों और फैमिली के हमराह कश्ती रानी से लुत्फानंदोज होते रहे। कश्ती रानी के लिए बेहतरीन हिफाजत इंतजाम, लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करा।